सो अगर तुमने इस वाली वीडियो क्लिक करा है ना, तो मेनली इसके पीछे दो रीजंस होते हैं। तो या फिर तुम यूट्यूबर हो या फिर यूट्यूब पे एल्गोरो की वीडियोस देखते हो, एंड सेकंड अभी तुम बिगिनर्स हो लेकिन यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो एंड एडिटिंग सीखना चाहते हो। तो भाई आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक एडिटिंग जो कि एल्गोरो अपने वीडियोस पर यूज करता है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जो लोग वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं। देखो मैंने पिछली वीडियोस कई सारी बनाई हुई हैं एडिटिंग के ऊपर जो कि मोबाइल पर करी जाती हैं। वैसे मैं बता दूं एल्गोरो अपनी सारी एडिटिंग को पीसी पर करता है, तो यहाँ पे कुछ उसके जो एडिटिंग ट्रिक्स है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैसे आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो भाई इस वाली वीडियो को एंड तक देखना, और जो लास्ट में मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। सो अभी मैं आ चुका अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर, एंड यहाँ पे मैं मीडिया ब्राउजर पे जाके पहले तो आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर कि कैसे आपको बनाना है। तो एल्गोरो ऐसा ही कुछ टेम्पलेट यूज़ करता है आपको सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। तो वह इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट लोड कर लेना है, मतलब कुछ ऐसे फुटेज को लोड कर लेना जो कि आप एडिट करना चाहते हैं, एंड सीधे मीडिया पर जाइए एंड डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ उस वेक्टर को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप इसको खुद से भी पिक्सल लैब या फिर किसी सॉफ्टवेयर पे बना सकते हो। तो सीधे से ऐसा कुछ मैंने इसका लिंक दिया, डाउनलोड कर लेना और बना लेना। वहाँ पे टेक्स्ट नहीं होगा भाई, सीधे से यहाँ पे क्या करते हैं ये ब्लैक वाली जो इमेज लेते हैं एंड इसको जो है ओपासिटी को कम कर देते हैं एंड सीधे इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। सेंड टू बैक करने से हमारा फोकस इसी पार्ट पे आएगा। सो इसके बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे बेसिक इफेक्ट पे कोई सा भी इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप मौसिक ब्लर को भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे सीधे से हम इसको जितना चाहिए उस हिसाब से हम थोड़ा सा इसको जूम इन जूम आउट मतलब क्रॉप करके इसको ब्लर कर देते हैं। एंड अभी इस जो ब्लर वाला जो ऑप्शन है इसको हमको कॉपी करना है एंड सभी के ऊपर लिटरली लगा देना है। एंड देन इसके बाद हमारा ये इतना हो चुका है एंड इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा कर्सर आगे ले जाते हैं एंड जहाँ पे हमको फोकस करना है वहाँ पे ट्रिम टू राइट कर देते हैं, फिर लेयर पे जाते हैं, एक एरो ऐड करते हैं। तो भाई एरो आप इंटरनेट से कहीं से डाउनलोड कर सकते हो, इसको उसी जगह पे पुट कर देना है जहाँ पे हमारा ब्लर ख़त्म हो। तो उसके साथ हम एक साउंड ऐड कर देते हैं पॉपअप वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी दे दूंगा। सो अभी हमने जो किया उन दोनों लेयर्स के साथ वैसा भी इनके भी साथ करना है, थोड़ा सा आगे करके इसको हमें ट्रिम कर देना है। एंड लिटरली यहाँ पे की वाले फ्रेम पे जाते हैं, पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एरो मार्क को, फिर की वाले फ्रेमिंग पे जाते हैं एंड इस पर थोड़ा सा की अप्लाई कर देते हैं, एंड जहाँ पे की एंड होता है मतलब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे ये ब्लर वाला सेक्शन ख़त्म हो जाता है एंड वो दिखने लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सो इसमें सबसे पहले तुमको कोई से भी ब्लर को ऐड करना होगा क्योंकि बैकग्राउंड वाला ऑब्जेक्ट को ब्लर करना है। एंड हम इसमें क्या सीखेंगे कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस में कैसे लाते हैं, तो कोई से भी ब्लर वाला ऑब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद यहाँ पे लेयर को ऐड करते हैं जिस चीज़ को फोकस में लाना है। तो मैंने यहाँ पे एल्गोरो का चैनल ही ले लिया, तो इसको थोड़ा सा हमें एनिमेशन ऐसे सेट कर देना है की फ्रेमिंग वाला, तो की हमको सेट करना है कुछ ऐसे। तो उसके बाद यहाँ पर एक म्यूज़िक लगा देते हैं वॉइस वाला, तो भाई इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे जैसे प्लस में क्लिक करते हैं म्यूज़िक ऐड हो गया एंड ये ऐसे चलता रहा है एंड यहाँ पे हमारा म्यूज़िक लग चुका है, ठीक है। सो ये कुछ इसी तरीके से सुनाई देता है एंड तुम इसके कई सारे लेयर्स भी ऐड कर सकते हो, मतलब कई सारे लेयर्स पे ऐसा इफेक्ट डाल सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ एंड यहाँ पे देखिए हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जैसे कोई भी सोच रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए सीधे सोचने वाली फ़ोटो लगाएंगे और यहाँ पे ब्लैक वाला जो इमेज इसको ऐड कर देंगे, इसकी ओपासिटी को थोड़ा सा डाउन कर देंगे एंड लिटरली अभी लेयर वाले सेक्शन पे जाएंगे एंड ये वाला जो क्वेश्चन मार्क वाला फुटेज है इसको लोड करेंगे एंड इसको ग्रीन स्क्रीन से क्रोमा की इनेबल कर देंगे। जैसे ही क्रोमा की इनेबल करते हैं तो ये जो है क्वेश्चन मार्क कुछ ऐसा देखने को मिलता है। सो ऐसा लगता है कोई भी आदमी रियल में सोच रहा है। फिर यहाँ पे कोई भी आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट में वाई इज़ इट एंड देखो हमारा इसमें कुछ फॉन्ट ऐड कर देते हैं, तो हमने ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है, फॉन्ट काफ़ी चला करा है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। फिर हम थोड़ा सा इसमें कमी लग रही है तो भाई उसको हम लगा देते हैं, तो भाई एक वॉइस ऐड कर देते हैं हम इसमें पॉपअप वाला एंड पॉपअप साउंड ऐड कर देते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा सुनने में। सो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो भाई इसमें हमको अपनी फुटेज पे एक ब्लैक लेयर ऐड करनी है, ब्लैक इमेज वाली, और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है एंड देन इसके बाद हमको इसको फुल टू स्क्रीन करना है। पहले ही बता दूं यहाँ पे पिक्सल लैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो तुमने देखा ही होगा कि जो एल्गोरो अपनी वीडियो में टेक्स्ट वाला एनिमेशन ऐड करता है, तो उसको क्रिएट करने के लिए सीधे से जाते हैं पिक्सल लैब पे एंड यहाँ पे इसके रेशियो को हम जो है 16:21 कर देते हैं। भाई देखो ये परफेक्ट है, बाकी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, जो भी आप एनिमेटिव टेक्स्ट लगाना चाहते हो
तो भाई टेक्स्ट को आप ऐड कर लो, यहाँ पर मैं अपना नाम ही दे देता हूँ। एंड जो अभी आपने प्रीव्यू देखा, हम लोग उसी तरीके की कुछ फुटेज बनाएंगे। सो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉन्ट दिया है, उसको डाउनलोड कर लेना एंड पिक्सेल ऐप ऐड कर लेना। अगर तुमको पिक्सेल ऐप फॉन्ट ऐड करना नहीं आता तो पिछली वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको जाकर देख लो। सो इस वाले फॉन्ट को हमने लगाया एंड फिर से इसको कॉपी करते हैं एंड फिर से हम जाते हैं उसी फॉन्ट वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे एक फॉन्ट मैंने और डाउनलोड किया था, सब एक ही साथ मिल जाएगा आपको, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। ये उसी में का है लेकिन ये ट्रांसपेरेंट फॉन्ट है। तो अभी इसको हमको बार बार कॉपी करना है एंड इसको हमें नीचे ऐसे पुटअप कर देना है और यही रिपीट कर लेना है, इसको हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये सब कंप्लीट होने के बाद सीधे से इस वाले ऑप्शन पर जाते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं एंड फिर सेव वाली बटन पर क्लिक करके सेव एज इमेज पर क्लिक करते हैं एंड इसको कस्टम वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है, इसको अल्ट्रा पे सेव कर लेना है। एंड जैसे सेव करते हैं अब हमको चलना है अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन की तरफ। सो हम काइनमास्टर पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे लेयर वाले सेक्शन पे चलते हैं एंड उस फुटेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। फिर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले इमेज को हम ऊपर ले जाते हैं एंड आप चाहे नीचे भी ले जा सकते हैं। फिर यहाँ पे की वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड लास्ट में एक प्लस करके और इसको नीचे कर देंगे। तो देखिए कुछ ऐसा एनिमेट कर रहा है एंड इसको हमको फिर से मतलब इसकी दो कॉपीज लगानी है। तो हम एक इमेज इसी का और ऐड कर लेते हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ऐसा ही लगा देंगे। तो इसको हमने ऐड कर रहा है, फिर यहाँ पे की वाले फ्रेम पे गए, इसको नीचे कर दिया एंड प्लस कर दिया एंड तो वही बनाना काफ़ी आसान है एंड प्लस कर दिए। देखो ये एनिमेशन बढ़िया सा लग चुका है एंड तुमने देखा होगा एल्गोरो ऐसा कुछ यूज़ करता है। प्ले करके तुमको दिखा दे रहा हूँ, कुछ ऐसा देखने में लग रहा है एंड तुम चाहो तो इसमें कोई सा साउंड ऐड कर सकते हो स्वाइप वाला। सो बढ़ते नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो इसमें आपको अपनी एक ब्लैक पट्टी ऐड करना है, चाहे इसको बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे जैसे ही आपने देखो एल्गोरो कुछ बोलता रहता है एंड अचानक से कोई टेक्स्ट कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसा बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक टेक्स्ट लेना होगा। यहाँ पर मैंने अपना नाम ले लिया एंड अच्छा सा फॉन्ट लगा दिया एंड थोड़ा सा कर्सर को आगे करने पर इसको स्प्लिट कर देना है। एंड जो सेकंड वाला पार्ट होगा इसमें हमें कलर चेंज कर देना है एंड जहाँ पे कलर चेंज करना, कर्सर को मूव नहीं करना है, वहाँ पे एक साउंड इफेक्ट ऐड कर देना है, चाहे जो सा भी साउंड इफेक्ट देना चाहते हो। तो भाई ये कुछ ऐसा बढ़िया बन जाता है एंड